आईपीएल 2018 में राजस्थान रॉयल्स का सफर खत्म हो गया है। ईडन गार्डन्स पर एलिमिनेटर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसे 25 रन से पराजित करते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस हार के लिए कोलकाता के गेंदबाजों से कहीं अधिक राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज खुद जिम्मेदार रहे। राजस्थान के सामने जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य था। कप्तान अजिंक्य रहाणे 46 रन और संजू सैमसन 50 रन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम एक समय मजबूती से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। 14 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होते हुए टीम ने पूरी तरह समर्पण कर दिया। 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स 4 विकेट पर 144 रन ही बना पाई और अपने प्रशंसकों को निराश करते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मैच में राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर कोलकाता को पहले बैटिंग के लिए बुलाया था। कप्तान दिनेश कार्तिक के 52 रन, 38 गेंद, 4 चौके, 2 छक्के और आंद्रे रसेल के 49 रन, 25 गेंद, 3 चौके, 5 छक्के की बदौलत केकेआर ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए थे। रसेल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। एलिमिनेटर की इस जीत के बाद केकेआर का अगला मुकाबला 25 मई को क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। फाइनल मैच 27 मई को खेला जाएगा। खबरों और फैंस के मुताबिक कहा जा रहा है, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद को मात दे देती है तो वो चेन्नई से फाइनल जीत जाएगी, पर ऐसा कहना मुश्किल है, यह मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करें, क्या ऐसा होगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी खबरों और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।